namaskar all of you how are you all i hope you guys are fit and healthy at your place so today we are going to solve our textbook exercises okay so open page number 124 our chapter is 12 air water and weather right so let's understand exercise 1 objective type questions there is exercise a fill in the blanks with the

हम सांस लेते हैं तो कौन सा ऑक्सीजन सॉरी uh, कौन सा गैस लेते हैं वी नीड ऑक्सीजन राइट वी आउट कार्बन डाइऑक्साइड सो राइट डाउन ऑक्सीजन इन दिस ब्लैंक सेकेंड वन इज़ द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर इज कॉल्ड ब्लैंक यानी जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज होती है लाइक वी चेंज गैस इन टू लिक्विड है ना तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इवापरेशन और कंडेन्शन वी कॉल्ड इट कंडेशन राइट तो वॉट इज कंडन द चेंज ऑफ वॉटर वेपर टू वॉटर इज कॉल्ड कंडेन्सेशन राइट सो राइट डाउन कंडन यर एंड सी द थर्ड वन इन ब्लैंक प्लेस वॉटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स कम डाउन एन स्नो स्नो गिरता है कहीं है ना स्नोफॉल uh, होती है तो वो कौन से एरिया में होता है कोल्ड या फिर होट देर आर ऑप्शंस कोल्ड एंड होट तो ऑफकोर्स इन कोल्ड एरियाज राइट तो कोल्ड एरिया में क्या होता है वाटर ड्रॉप है दे कन्वर्टिंग दे फ्रीज एंड कम डाउन एज स्नो राइट सी द फोर्थ वन द कंडीशन ऑफ एयर अराउंडस इज़ नोन एज ब्लैंक यानि हमारी आजू बाजू एयर की जो कंडीशन है हॉट या फिर कोल्ड या फिर वॉट वेपर इन दी एयर तो ये सारी जो कंडीशंस है उसे हम क्या बोलेंगे ऑप्शनस आर वेदर एंड सीजन ओके तो राइट वन इज़ य द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड इज नोन एज वेदर हम उसे वेदर बोलेंगे कोल्ड वेदर हॉट वेदर या सनी है ना सनी डे या फिर विंडी डे सो वी कॉल्ड इट वेदर राइट सी द फिफ्थ वन मैनी ट्री शेड द लिवज इन द ब्लैंक सीजन यानि एक सीज़न है जिसमें ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो गिर पड़ते हैं है ना तो उस सीज़न को कौन सी सीज़न बोलेंगे ऑटम या स्प्रिंग तो स्प्रिंग में तो फू फ्लावर्स आते हैं राइट फ्लावर्स आते हैं ग्रीनरी होती है फिर क्या होता है पत्ते नए आते हैं तो ऑटम यानी पानखर है उसमें क्या होता है पत्ते जो है ट्री शेड दर leaves right so write down autumn here now see the exercise b write t for the true and f for the false statements so there are uh, statements if you think the statement is true so we have to write down t and if you think the statement is false so we have to write down f right so first one is air contains dust and germs यस दिस इज ट्रू एयर अपने um, साथ क्या कंटे मतलब एयर uh, में क्या होता है एयर कंटेन्स डस्ट एंड जॉम्स राइट सो राइट द टी नाउ सी द सेकंड वन ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड यानी ह्यूमन बीइंग्स हम जो लिविंग थिंग्स है हम लिविंग थिंग्स ही है राइट right? हम जिंदा चीज है तो ह्यूमन बीइंग नीड टू ब्रीथ इन उनको ब्रीथिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नो 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 बिग नो वी ब्रीथिंग ऑक्सीजन राइट सो राइट डाउन एफ फॉर दिस स्टेटमेंट सो सेकेंड में हमें क्या लिखना है एफ सी द थर्ड वन नॉट ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर सारी लिविंग थिंग लिविंग जो थिंग्स हैं उनको वाटर नहीं चाहिए इज इट ट्रू नो ऑल लिविंग थिंग्स नीड

वो समझाने के लिए पूरी वाटर साइकिल बनी हुई है राइट सो इज इट ट्रू येस दिस इज ट्रू सो राइट राइड टी नाउ सी द फिफ्थ वन द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इवापरेशन नो, देर इज वाटर वेपर यानी गैस राइट इट चेंज इन सॉरी इट चेंज इन टू राइट इन इन लिक्विड सो वी कॉल्ड इट कंड नॉट इवापरेशन इवापरेशन की प्रोसेस क्या होती है वैन वाटर चेंज इन टू वॉटर वेपर वी कॉल्ड इट इवापरेशन वैन वी बॉइल वाटर, है ना इट टर्नस इन टू वाटर वेपर राइट सो वी कॉल्ड इट इवापरेशन बट वैन वाटर वेपर टर्न इन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड

एयर कंटेन वाटर वेपर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड राइट बट एयर डज नॉट कंटेन सिल्वर सो टेक द ऑप्शन डे ही सी द सेकेंड वन वेदर चेंजेज ड्यू टू द मतलब वेदर चेंज होता है किसके लिए मतलब किसकी वजह से ड्यू टू ऑप्शन ए सन ऑप्शन बी क्लोथ्स ऑप्शन सी फूड ऑप्शन डी डस्ट डस्ट टूटती है तो क्या वेदर चेंज होता है नो no. फूड के अकॉर्डिंग होता है नो no. क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग वेदर चेंज होता है नो नो सो वेदर चेंजेस ड्यू टू दी सन राइट सन है वो वेदर चेंज करने में हेल्प करता है अगर सनी एटमोस्फियर है सॉरी सन अगर पूरे दिन बाहर है तो क्या हुआ इट्स सनी डे राइट सन छुपा हुआ है बादलों के पीछे तो कौन सा डे हुआ इट्स क्लाउडी डे तो वेदर चेंज होता है ड्यू टू द सन राइट नाउ सी द थर्ड वन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर रिजल्ट्स इन यानी वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है एयर के अंदर उसका रिजल्ट मतलब एयर रिजल्ट इन रिजल्ट कहाँ हमें मिलता है देखने को सी चेंज इन वेदर वाटर वेपर हमारी एयर में है वो हमें क्या कब देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे टिक करना है ओके okay? तो ऑप्शन ए इज चेंज इन वेदर ऑप्शन बी ट्री शेडिंग लीव्स ऑप्शन सी नो चेंज एंड ऑप्शन डी सनी डे अगर वाटर वेपर प्रेजेंट एयर में तो क्या होगा सनी डे होगा नो ट्री शेडिंग लीव्स नो इज देर एनी चेंजेस नो चेंजेस नो नो चेंजेस तो होते हैं ना चेंज इन वेदर वाटर वेपर क्या हेल्प करता है रिजल्ट क्या आता है वाटर वेपर एयर में है तो क्या रिजल्ट मिलता है वी कैन सी चेंज इन दी वेदर राइट Now see the fourth one, which of these is not true about whether not likha hai, not true about water. So option A we need it for washing and cleaning. B, option B all living things need it. Option C it changes its form and option D none of these. यानी इसमें से ये सब है वो कुछ भी सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू यहाँ जो भी कुछ दिया है वो कुछ भी ट्रू नहीं है है ना वो हमें यहाँ पे लिखना है तो नन ऑफ दिस इसमें से कुछ भी है वो ट्रू नहीं है वी नीड इट फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग दिस इज़ ट्रू राइट

ड्यू टू द हीट ऑफ दन यानी अगर सन की हीट हमें मिल रही है तो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ कंडेशन ऑप्शन बी इज इवाप्रेशन ऑप्शन सी इज़ वाटर वाटरसाइकल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सो कंडनशेसन क्या होता है वैन वाटर वेपर टर्नस इन वाटर So this is false. Evaporation. Yes, this is true. When water vapor. Sorry, when we uh, heat up. Sorry, when heat. When sun heat up the water. Water turns into water vapor. Right? So we called it evaporation. So take the option B here. Now turn the page. Page number 1 to 5. चेंज इन सीजन अफेक्ट द ऑप्शन ए किड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर सॉरी काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर ऑप्शन बी काइंड ऑफ फूड वी ईट एंड ऑप्शन सी एक्टिविटीज वी डू सो सीजन में जब चेंजेस आता है तो क्या क्या अफेक्ट uh, करता है हमें हमारे खाने में हमारे कपड़े में हम जो चीज़ें करते हैं हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें राइट right?

option b snowfall option c heavy rainfall and option d hot weather so when spring comes new leaves and flowers come right so option a is right one take the option a here see the last one eighth one leaves of many trees are shed during option a spring option b monsoon Option C, autumn, and option D, summer. So, in autumn, leaves of many trees are shared, right? To so, take the option C here and see the exercise D. Match the following. You have to match column A to column B here, right? So, first one is Hot season. You have to write down answers here. Okay? So write down for A. Sorry, write down 1, 2, 3, 4, 5. And you have to write down answers here. So, hot season. Konsi hoti hai? We all know, we all know hot season is summer. Summer is so hot, right? So, write down B in front of first one second one is. कोल्ड सीजन ठंडा ठंडा सीजन तो विच वन इज दिस इज विंटर राइट सो राइट डाउन डी इन फ्रंट ऑफ सेकेंड वन एंड सी द थर्ड वन स्लो विंड यानी धीरे धीरे हवाएं चलती है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे इट्स ब्रीज राइट सो राइट डाउन ए इन फ्रंट ऑफ थर्ड वन फोर्थ वन इज रेनी सीजन तो रेनी सीजन क, uh, को हम क्या बोलेंगे वी कॉल्ड इट मॉनसून राइट सो राइट डाउन ई इन फ्रंट ऑफ फोर्थ वन फिफ्थ वन इज फास्ट ब्लोइंग विंड यानी बहुत ही फास्ट चल रही है विंड तो उसे हम क्या बोलेंगे वी कॉल्ड इट स्ट्रांग राइट सो राइट डाउन सी इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ वन नाउ सी exercise 2 very short answer type questions so our exercise a is give two examples of the following you have to write down two examples of each okay so first one is use of water water ka use kya hai drinking and cooking okay write down drinking and cooking here now see the second one things present in air यानी एयर में जो प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पे लिखना है वाटर वेपर एंड दस पार्टिकल्स है ना यू कैन राइट डाउन जर्म्स है ना जर्म्स गेसेस सो जो भी आपको याद आता है ऐसा नहीं कि मैम ने लिखा है वही लिखना है ओके थिंग्स प्रेजेंट इन एयर यू कैन राइट डाउन यहाँ पे गैसेस वेल जर्म्स सी द थर्ड वन Weather conditions. Weather conditions kon ho sakte sunny days, windy days, right? Cloudy days. So these are the weather conditions. So rainy, uh, rainy days. So we can write down here koi condition. Okay. Now see the fifth one. Seasons. Seasons B there are five seasons. So you can write down any of two seasons here.

क्योंकि गम्बूट पहनने से भी हमारे पैर जो है वो ड्राई रहते हैं सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिज नाउ सी द एक्सरसाइज बी गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग दीज आर दी क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन वन वर्ड आंसर ओके सो फर्स्ट वन इज़ दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सन्स हीट ऑन वाटर यानी सन की हीट से क्या होता है टेक प्लेस टू टू दी सन्स हीट ऑन वाटर तो क्या होता है तो सन मतलब सन की जो गर्मी है वो कब इफेक्ट करती है कब होती है कौन सी प्रोसेस होती है तो इफ़ेक्ट करती है

ज्वाइंट टूगेदर यानी छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है इट्स इजी पिग ड्रॉप्स राइट सो राइट डाउन बिग ड्रॉप्स इन सेकेंड वन नाउ सी दर्ड वन वाटर ड्रॉपलेट्स इन दर कूल डाउन एंड कम डाउन एज दिस यानि वाटर ड्रॉपलेट्स है इन द एयर वो हवा में है वो कूल डाउन हो के कहा जाते हैं, वो थोड़े ऊपर जाते हैं फिर क्या होता है दे क्लाउड्स है ना फिर क्लाउड जो है वो उसका वजन सॉरी क्लाउड का वजन है वो एयर उठा नहीं पाते तो क्या होता है रेन सो आंसर इज रेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर कूल्स डाउन एंड कम्स डाउन एज दिस रेन राइट नाउ सी द फोर्थ वन रेन ड्रॉप्स कम डाउन एज दे इज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस रेन ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं पर कोल्ड uh, एरिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे दे कन्वर्ट सॉरी दे फ्रीजेस राइट वो फ्रीज हो जाएंगे और फिर क्या गिरेगा स्नो वी कॉल्ड इट स्नोफॉल रेनफॉल बोलते हैं है न तो स्नो गिरती है तो क्या बोलेंगे स्नो फॉल राइट नाउ सी द फिफ्थ वन द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस हमारी आजू बाजू की एयर की जो जनरल कंडीशन है उसे हम क्या बोलेंगे इट्स सो इजी वी कॉल्ड इट वेदर राइट सो राइट डाउन वेदर या नाउ सी योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन अगर यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लिखने नहीं आ रहे तो थोड़ी लाइन बड़ी कर दो यहाँ से थोड़ी लाइन बड़ी कर दो राइट right? और अच्छे से आंसर्स लिखो योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन बुक शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड इन होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज एक्सरसाइजेस एंड टेक्स्ट बुक ओके स्टे हेल्दी टेक केयर